अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फैमिस किचन। आज हम बनाएंगे यमी से एंड मॉइस्ट चॉकलेट कपकेक्स, और इसको आज मैं बनाऊंगी बहुत ही क्विक एंड इजी वे में, और इसी के साथ मैं बनाऊंगी इसकी एक मज़ेदार सी चॉकलेट टॉपिंग। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सिफ्ट कर लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप मैदा, 1/3 कप कोको पाउडर, 1 teaspoon बेकिंग पाउडर, 1/4 teaspoon बेकिंग सोडा और 1/4 teaspoon ऐड कर रही हूँ मैं इसमें सॉल्ट। अब इन तमाम चीज़ों को हम छान लेंगे, और बेकिंग करते वक्त ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानना बहुत ज़रूरी है ताकि एक फाइन सा पाउडर हमारे पास आ जाए, और जब हम केक का बैटर रेडी करें तो उसमें कोई भी लम्स ना बने और एक स्मूथ सा और सॉफ्ट सा बैटर हमारा केक का बने। अब ये तमाम चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं, तो एक दूसरा बाउल लेंगे और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3/4 कप शुगर। शुगर को मैंने ग्राइंडर में पीस लिया था। 1/3 कप ऑयल ऐड कर रही हूँ, आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 अंडे। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसको हम हेड विस्कर से ही अच्छी तरह से विस्क करेंगे, इसमें हमें इलेक्ट्रिक पीटर की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/3 कप मिल्क, और मिल्क हमें रूम टेम्परेचर पर ही लेना है, ना ठंडा लेना है और ना ही गर्म। अब इसको हम दोबारा अच्छी तरह से तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए विस्क करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून वनीला एसेंस, और इसको भी अब मैं मिक्स कर लूंगी। तो आप देख सकते हैं कि कितना स्मूथ सा हमारा ये बैटर रेडी हो चुका है, और इसका टेक्सचर कुछ इसी तरह का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक ना हो। कपकेक पैन को मैंने ग्रीस कर लिया था ऑयल से, और मैंने इस तरह से इसमें कपकेक की लाइनिंग्स लगा दी थी। अब इसमें हम अपना केक का बैटर ऐड करेंगे। अब इस तरह से हम इसको थोड़ा सा टैप कर लेंगे ताकि इसमें जितने भी एयर बबल्स हैं वो निकल जाए। अब इसको हम बेक करने के लिए रखेंगे प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पर तकरीबन 15 मिनट्स के लिए। अब मैं इसकी टॉपिंग रेडी करूंगी, और उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 80 ग्राम्स डार्क चॉकलेट, 50 ग्राम्स बटर, 100 ml क्रीम, 2 to 3 tablespoons चीनी एंड 1/2 tablespoon वनीला एसेंस। अब इन तमाम चीज़ों को हम लो फ्लेम पर कुक करेंगे कि जब तक ये मेल्ट ना हो जाए और एक स्मूथ सा टेक्सचर हमें ना मिल जाए। कपकेक्स हमारे रेडी हो चुके हैं, और इसको मैंने रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया था। तो अब आप देख सकते हैं कि कितने सॉफ्ट और स्पंजी से हमारे कपकेक्स रेडी हुए हैं। चॉकलेट टॉपिंग को भी मैंने रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया था, तो अब इसको मैं कपकेक्स पर लगाऊंगी। अब इसको मैं डेकोरेट करूंगी स्प्रिंकल से, आप लोग अपनी पसंद के कोई भी स्प्रिंकल्स यूज कर सकते हैं। और अब इसमें मैं कुछ बंटीज लगाऊंगी, क्योंकि ये तो बच्चों की फेवरेट होती हैं। कपकेक्स हमारे बिल्कुल रेडी है, और ये बहुत ही यम्मी बने हैं, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कुक विथ मी।